प्रदेश के इंदौर में आज रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मैग्निफिसेंट एमपी का आगाज किया गया। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, उद्योगपति आदि गोदरेज, दिलीप सांघवी, संजीव पुरी, विक्रम किर्लोस्कर और एम श्रीनिवासन ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इसके बाद लेजर शो के जरिए मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आप सभी का देश के सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है। यह कोई मेला नहीं है, न ही सिर्फ एमओयू साइन करने के लिए रखा गया कार्यक्रम। यहां से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा, 7 देशों में मध्य प्रदेश में निवेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। मध्य प्रदेश में 2,10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। खास बात यह रही कि सीएम के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वेबकास्ट के जरिए बात की। उन्होंने करीब 4 मिनट और 40 सेकंड तक अपने विचार रखे। उन्होंने सीएम और मध्य प्रदेश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 10,000 आउटलेट किसान सेक्टर में खोलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश बिजनेस के लिए सबसे अच्छा स्थान है। 45 स्थानों पर हम अलग अलग सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। सौर ऊर्जा व एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स पर हमारा ज्यादा फोकस होगा।